परेशान हो क्योंकि इमाम साहब हॉस्पिटल में था। फिर अभी कौन है हॉस्पिटल में भाभी के साथ? घर वाले ना वही कर रहे हैं बेचारे, यहाँ नमाज पढ़ा रहती है ना। हेलो, लड़का हुआ है, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, सबको दे दो, सबको मुबारकबाद दे दो। सबको बताती हूँ, लड़का हुआ है। अरे क्या हुआ इमाम साहब, बड़े खुश नजर आ रहे। अरे लड़का हुआ मेरे, मुबारक हो इमाम साहब, अब तो तुम तुम्हारे बेटे को भी इमाम बनाओगे। नहीं 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 नहीं, इमाम नहीं बनाना मुझे। क्यों, आप भी तो इमाम हो, इमाम के दिल में तो कुरान होता है। एक बात बताओ, अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? 15 से 20 हजार महीने के कमा लेता हूँ। माना इमाम का बहुत बड़ा मर्तबा होता है और उसको आखिरत में बहुत अच्छी जगह मिलेगी, मगर ये दुनिया वाले इमाम को पता नहीं क्या समझते हैं। भाई 5 हजार तनख्वाह में कोई आज के टाइम पे गुजारा हो जाएगा क्या? और ये तो भी हमारी तनख्वाह की बात, हमें तो एक मिनट की भी मोहलत नहीं मिलती। अगर हम कहीं इधर उधर भी चले जाए ना तो हमें हटा दिया जाता है। इमाम साहब आपने बिल्कुल सही बात की, कम से कम इमाम की तनख्वाह 12 से 15 हजार होनी चाहिए ताकि वो घर भी अच्छे से चला सके।